एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। एक खुशखबरी आपके लिए है, जी हाँ, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं या फिर क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं और आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए खुशखबरी यहाँ पर है। खुशखबरी आपके लिए ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेल्फ सेंटर को ऑप्शन दे दिया है। मतलब कि अगर किसी भी कॉलेजेस में 15 बच्चों से ज्यादा अगर उनके पास स्टूडेंट्स हैं तो वो कॉलेज जो है कि सेल्फ सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि जो कोरोना का जो बोलते ना प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना होगा। मतलब कि आपको सैनिटाइजर रखना होगा आपके सेंटर रूम में, ठीक है, एक गैप रखना होगा, नो डाउट जो गैप बोला गया, जैसे कि एक बेंच के बाद पीछे बच्चे नहीं बैठने चाहिए, दो एक बेंच के बाद एक बेंच का गैप होना चाहिए जनरली, ठीक है, क्योंकि पहले कैसा होता था कि एक के बाद एक बैठते थे बच्चे, बट अभी कैसा है कि एक के बाद कम से कम एक या दो बेंच का शायद गैप रखेंगे। मतलब एक क्लास में जो पहले शायद बड़ी क्लासरूम हो तो वहाँ पे 20-25 बच्चे बैठते थे, ठीक है, लेकिन अब जो है कि शायद 10 से ज्यादा बच्चे शायद नहीं बैठेंगे अगर क्लासरूम आपकी बड़ी है तो। मतलब ये है कि आपको एक तो थोड़ी सी बोलते राहत की बात है कि कम से कम अगर आपके पास सेल्फ सेंटर का ऑप्शन आ जाता है तो थोड़ा सा रिलैक्स आप हो जाएंगे कि चलो ठीक है हमारे कॉलेज के टीचर रहेंगे, थोड़ा सा बोलते हैं एक साइकोलॉजिकली आप थोड़े से जो है कि अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। कैसा होता है कि आप प्रीलियम ऑलरेडी दे रहे हो तो आपको थोड़ा सा बोलते हैं कि प्रीलियम अच्छा जा रहा है नहीं जा रहा वो एक सेकेंडरी पार्ट है, बट आप कहीं ना कहीं मेंटल जो होता है ना बच्चों का एक जो डिस्टर्बेंस बना हुआ था, हमें कहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे हमें एक अलग जगह पे जाना है, उसका एक अलग से हेडेक रहेगा, फिर कितनी स्ट्रिक्टनेस रहने वाली है, ठीक है, कैसे माहौल रहेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा इशू हो रहा था। लेकिन अब जो है कि जैसे ये सेल्फ सेंटर का ऑप्शन आया है तो थोड़ा सा जो है कि कहीं ना कहीं माइंड में एक बच्चों की स्टेबिलिटी स्टार्ट हो गई रहेगी, ठीक है, कि चलो ठीक है प्रैक्टिकल में भी उन्होंने एक्सटर्नल को निकाल दिया है और अब जो है कि बोर्ड एग्जाम के लिए उन्होंने सेल्फ सेंटर अलॉट कर दिया है क्लास 10 और क्लास 12 के लिए। लेकिन ये उनके लिए ही लागू होगा जिनके कॉलेज में कम से कम मिनिमम 15 बच्चे होने चाहिए, ठीक है, अगर 15 बच्चे हैं तो आप सेल्फ सेंटर के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब कॉलेज अप्लाई करेंगे। कभी कभी क्या होगा कि आप बोलेंगे सर हमारे कॉलेज में तो सेल्फ सेंटर आया ही नहीं, तो भाई इसका मतलब ये है कि कॉलेज ने अप्लाई ही नहीं किया होगा, कॉलेज वो तामझाम नहीं पालना चाहेगा जो जो बहुत सारे बोलते हैं ना रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो हर एक चीज जो है कि आपको जो गाइडलाइन जारी की गई उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो बहुत सारे कॉलेज जो होंगे ऐसे भी हो सकते हैं जो छोटे कॉलेज हैं, इन सब तामझाम से बचने के शायद वो सेल्फ सेंटर कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आप ये मत सोचना कि अरे सर आपकी न्यूज़ तो गलत निकल गई, ये डिपेंड करेगा कॉलेज के ऊपर, बट कॉलेज सेल्फ सेंटर होगा या नहीं होगा ये कॉलेज ही डिसाइड करेगा, प्रोवाइडेड दैट कि आपके पास जो है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि मोर देन 15 होने चाहिए। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर समझो आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 15 है अगर वो उतना है लेकिन फिर भी कॉलेज में सेल्फ सेंटर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कॉलेज ने अप्लाई नहीं किया होगा, ठीक है, कॉलेज को कहीं ना कहीं डर होगा कि हम मैनेज नहीं कर सकते क्राउड को या जो भी उनका इशू रहेगा, ठीक है, और जो साइड में जो गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं कि इन चीज़ों का एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई कौन से कॉलेज में कितने बच्चे हैं, क्या वहाँ पे वो चीज़ें अलॉट हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि देखो जो बोर्ड एग्जाम है ना वो प्रैक्टिकल के जैसे शिफ्ट वाइज नहीं हो सकती है, ये जो है ना कहीं प्रैक्टिकल के जैसा शिफ्ट वाइज नहीं हो सकती, बल्कि ये आपको एक ही टाइम पे लेनी पड़ेगी। अगर 11 बजे पेपर शुरू हो रहा है तो वो 11 बजे हर एक बच्चे के लिए शुरू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप शिफ्ट वाइज बुलाने वाले हो, ठीक है, तो यहाँ पर वो भी वो एनालिसिस कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने ऑप्शन तो जरूर दिया है बट इंटरनली ये भी अनाउंसमेंट बोलते ना एनालिसिस चल रहा है कि कहीं अगर समझो कोई बड़ा कॉलेज है जहाँ पे बच्चे काफी ज्यादा है, ठीक है, 2,000-3,000 बच्चे हैं 11th और बेसिकली 12th के मिला के, और कोई अगर कॉलेज जो है कि स्कूल से अटैच है तो वहां पे क्या होगा कि 10th और 12th दोनों क्लैश होंगे एक सर्टेन टाइम के बाद, क्योंकि 15 मार्च से 10th भी चालू हो जाएगा तो वहां से फिर क्लैशिंग चालू होगी और वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ने खुद जो है कि डिसीजन अपने पास रखा है कि हम 15 फरवरी को और क्लेरिफाई कर देंगे कि क्या है एग्जैक्टली सीन, ठीक है, तो 15 फरवरी तक आपको नो डाउट आपको वेट करना होगा, बट उन्होंने ऑप्शन दे दिया है कॉलेजेस को कि अगर आप सक्षम हो तो आप जो है कि सेल्फ सेंटर के लिए अप्लाई कीजिए और हम आपको वो सुविधा दे देंगे कि आप सेल्फ सेंटर कर सकते हैं। तो भाई एक थोड़ी सी तो राहत वाली खबर बोल सकते हैं। अब कितने बच्चे इस बात से एग्री कि नहीं सेल्फ सेंटर नहीं रहेगा तो चलेगा लेकिन हमको एग्जाम थोड़ा सा पोस्टपोन करा के चाहिए, कितने बच्चे को ऐसा लग रहा है, कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं अगर सेल्फ सेंटर है तो कोई दिक्कत नहीं हमें, हम एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा तो भी चलेगा, हम रेडी है एग्जाम के लिए, आप सिर्फ सेल्फ सेंटर करा दीजिए हम एग्जाम के लिए रेडी है। तो मैं दो तरह का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक वो बच्चे कमेंट करेंगे जो सेल्फ सेंटर के लिए रेडी है और पोस्टपोन्ड नहीं हुआ तो भी चलेगा, दूसरा जो सेल्फ सेंटर के लिए रेडी नहीं है कि हमें सेल्फ सेंटर नहीं चाहिए, हमें उसकी जगह पे पोस्टपोन्ड नहीं चाहिए, हमें जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड होनी चाहिए, क्योंकि पोस्टपोन्ड होने से हम और ज्यादा पढ़ सकते हैं और अपने आप को उस स्थिति में लेके आ सकते हैं जहां से हम इस समय जिस स्थिति में खड़े हैं या शायद बहुत अच्छी तैयारी नहीं हुई उससे हम उबर कर उससे थोड़ा बाहर आकर हम और अच्छा कर सकते हैं, उस कंडीशन में आप अपने आप को डाल सकते हैं।
तो भाई कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि क्या है आपका सिनारियो, आप किस सिचुएशन में अपने आप को इस समय देख रहे हो। क्या आप चाहते हो कि सेल्फ सेंटर रहे, या ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं कि नहीं सेल्फ सेंटर रहे फ्यूचर में लेकिन पोस्टपोन होने के बाद भी, एग्जाम को पोस्टपोन करो लेकिन सेल्फ सेंटर ही रखिए आप, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एग्जाम जब पोस्टपोन करेंगे तो हमें टाइम मिलेगा पढ़ने का, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बाहर जाके एग्जाम देने का। तो शायद ये एक मेंटल स्टेबिलिटी बच्चों की होती है कि यार अगर हम अपने कॉलेज में एग्जाम देंगे तो कहीं ना कहीं हम शायद अच्छा कर सकते थे या अच्छा करेंगे। तो इस तरह से मैं तीन कैटेगरी में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो मुझे आंसर दीजिए और स्पेसिफाई कीजिए कि आप किस तरह के स्टूडेंट्स हो। देखिए आपका कमेंट ही है ना बच्चे, जो कमेंट की जो बौछार आती है ना वो कहीं ना कहीं एनालिसिस किया जाता है, ठीक है कि भाई ठीक है बच्चों का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, इस तरह के वीडियो पे बच्चों के रिस्पॉन्स क्या आ रहे हैं। तो इस वीडियो का खास बात ये होता है कि बच्चों के कमेंट्स को कहीं ना कहीं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एनालिसिस किया जाता है, मैं नहीं बोला कि मेरे वीडियो को एनालिसिस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक जनरल तरीके से देखा जाता है कि बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं, ठीक है जो सर्वे टाइप में जो होता है। तो इसीलिए आप सोच समझ के अच्छे से जो आपका बोलते हैं ना कंटेंट है, जो आपको लग रहा है वो आप सोच के अच्छे से कमेंट कीजिए, ताकि जब ये बोलते ना कि कमेंट कोई देखे तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि भाई मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या सोच रही है, ठीक है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पोस्टपोन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब ये ऑप्शन आने के बाद शायद इसके अंदर भी थोड़ा सा बोलते ना बंटवारा हो जाएगा कि नहीं, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सेल्फ सेंटर तो फिर मुझे चलेगा, तो उस पोस्टपोन वाली कैटेगरी में भी थोड़ी सी बोलते ना शायद आने वाले दिनों में कमी मिल सकती है। तो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप किस पैटर्न को फॉलो करना चाहते हो, पोस्टपोन करना चाहते हो पोस्टपोन्ड विथ सेल्फ सेंटर, या पोस्टपोन्ड विथ अदर सेंटर भी चलेगा, या फिर आप चाहते हो कि पोस्टपोन्ड न हो, चाहे सेल्फ सेंटर हो चाहे बाहर का सेंटर हो, मुझे कोई इशू नहीं होने वाला है। आप किस कैटेगरी में आते हो कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर लीजिए दूसरों के साथ में जो आपके फ्रेंड्स हैं, और पहली बार हो तो नो डाउट आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। लेकिन सर ये चैनल में क्या सिखाते हैं, आप सिर्फ न्यूज़ देते हो, नहीं बिल्कुल नहीं, ये चैनल जो है पूरी तरह से केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड चैनल है, जहां पे मैंने केमिस्ट्री का हर एक कंसेप्ट करा दिया है, हर एक चैप्टर करा दिया है, पूरा वन शॉट आप देखेंगे मेरे चैनल पे मिलेगा, न्यूमेरिकल की सीरीज मिलेगी, आईपी की सीरीज मिलेगी, स्ट्रक्चर की सीरीज मिलेगी, नेमिंग रेशन की सीरीज मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी, मतलब मैं जितना हो सकता है उतना मैं बेस्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। आने वाले दिनों में कुछ और कंटेंट लेकर आऊंगा आपके लिए, जैसे महारिविजन सीरीज हो गया, ठीक है कंटेंट ऑन डिमांड हो गया, ऐसे कुछ और चीजें लेकर आऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए आपका सपोर्ट। अगर कोई भी सीरीज मैं लॉन्च करता हूँ और उसमें रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसको फिर क्या करना पड़ता है, मुझे स्किप करना पड़ता है कि नहीं यार ये सीरीज लॉन्च करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि बच्चे इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो आपका सपोर्ट बनाइए, और गारंटी देता हूँ कि आपको मैं जो है कि केमिस्ट्री में बोलते ना एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा, कि आप दूसरों को सिखाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही खूबसूरत से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बच्चे, बाय एवरीवन, बाय, जाओ जाके कैर मचा दो, आग लगा दो।